इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचआईवी को मिटाने यानी कि क्योर करने के लिए जो एजीटी का ट्रायल है उसमें सेफ्टी नतीजे क्या आए हुए हैं। आप इस वीडियो में क्या जानेंगे, जीन सेल थेरापी अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो फेज वन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है उसके बारे में, यह कितना सुरक्षित अभी तक साबित हुआ है, सेफ्टी डेटा पर अमेरिकन जीन थेरापी के द्वारा सेलिब्रेशंस का वीडियो, और वीडियो में कही गई इंग्लिश में जो बातें हैं उसका हिंदी रूपांतरण। सबसे पहले देखते हैं एजीटी यानी कि अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी एक संस्था का नाम है जो वाशिंगटन अमेरिका में स्थापित है। इनने जीन सेल थेरापी का ट्रायल शुरू हुआ है इसी साल अगस्त 2020 में स्टडी को मंजूरी दिया था एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर अमेरिका ने। इस शुरुआती ट्रायल में कुल मिला के 6 दर्दियों यानी कि पेशेंट्स का शामिल होना था। इन ट्रायल में कौन शामिल हो सकता है, तो 2 साल से ज़्यादा एचआईवी के इलाज पर हो और उसका वायरल लोड नॉन डिटेक्टेबल हो उन लोगों को शामिल किया गया था। जो ये थेरापी पहला ट्रायल हुआ था वो मई 2021 में, दूसरा पेशेंट को अगस्त 2021 में और तीसरा पेशेंट को सितंबर 2021 में इसको थेरापी का इस्तेमाल किया गया था। इस थेरापी यदि सफल रहता है तो क्या फ़ायदा होगा? इस दवाई को सफल होने के बाद पेशेंट्स को एचआईवी की एआरटी मेडिसिंस नहीं लेनी पड़ेगी। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति अब किसी को उसके बाद किसी को एचआईवी फैलने का खतरा नहीं रहेगा, और एचआईवी के कारण नया किसी को एड्स होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो इसका सेफ्टी रिजल्ट्स जो आया हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी ट्रायल होता है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई ना कोई संस्था होती है, और इस ट्रायल को मॉनिटरिंग करने के लिए डेटा सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड था। इस बोर्ड ने पाया गया कि जब भी एक पेशेंट्स को दिया उसके बाद उसका मॉनिटरिंग हुआ और पाया कि कोई साइड इफेक्ट नहीं था, उसके बाद ही दूसरे पेशेंट्स में ए ट्रायल करने की मंजूरी दी गई। उसी में पाया कि कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो उसके बाद तीसरे में, और तीनों को रिजल्ट देखते हुए अब ये तय किया गया है कि अब काफ़ी तौर पर इससे साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं है। तो अब हर पेशेंट्स में मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड को, और हर पेशेंट की जगह पर अब 3 महीने में एक बार डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग किया जाएगा। अब इस सफलता के बाद एजीटी का एक सेलिब्रेशन वीडियो रिलीज हुआ है। यह वीडियो 2 मिनट का है, वो इंग्लिश में है, और वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आपको इंग्लिश में कही गई जो भी बातें हैं वीडियो में उसी चीज़ का मैं हिंदी रूपांतरण करके आपको बताऊंगा। तो पहले आप ये ओरिजिनल वीडियो इंग्लिश में है वह देख लीजिए। We believe that HIV is curable. When I talk to people that are HIV infected, the physical pain is nothing compared to the psychological pain of knowing you're infected, knowing you're different, knowing you're isolated. It's critically important that HIV be cured. I'm very happy as a physician to be involved with AGT because if this is successful, I know it's going to help and cure more people than I can hands-on touch. I can't think of anything that's going on in the world from an innovation standpoint that could be as noble or as impressive, the biggest contribution to humankind. I think it's an amazing story what Jeff has done with a vision. It's actually ready to make a difference in the world. It's not often when you have someone who understands software and coding and programming and uses that metaphor to do the programming of a gene. That's how great innovations happen, is when you take two different disciplines and you create something new. The next scientific step is what AGT is doing. Trying to modify the T cell to kill the virus in the body, just like the normal immune response. It looks like you guys have finally got it, and that's what's exciting.
being a member of the gay community, having seen what that disease has done to our community over time is pretty devastating. So it does hit close to home that, you know, there's a light at the end of the tunnel. The importance of today is to let everyone know that the first patient has been shown to have no adverse effects whatsoever for the HIV cure. No more antiretroviral therapy, no fear of AIDS, no possibility of being contagious. I think we all have something to really be excited about in terms of the probability that we will see the end of HIV in our lifetime. Thank you. तो अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें जो इंग्लिश ऑडियो था उसी का मैं हिंदी रूपांतरण करूंगा। तो कहने का मतलब है कि आगे की जो भी स्लाइड्स है वो मेरे खुद के शब्द नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो का हिंदी रूपांतरण है। हम मानते हैं कि एचआईवी को मिटा सकते हैं। जब हम एचआईवी पॉजिटिव लोगों से बात करते हैं तब लगता है कि खुद को एचआईवी है और खुद अकेले होने का जो मानसिक दर्द है वो इंसान को शारीरिक दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। और इसी तरह यह बहुत ही ज़रूरी है कि एचआईवी को मिटाने का इलाज ढूंढा जाए। मैं बहुत खुश हूं कि एक डॉक्टर के तौर पर मैं एचआईटी के साथ जुड़ा हूं, क्योंकि यदि यह सफल होता है तो मैं अकेले लोगों का इलाज कर सकूं, उससे बहुत ही ज़्यादा लोगों का यह बीमारी को ठीक करेगा और मदद करेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई दुनिया में आविष्कार हो रहा हो इतना उम्दा और प्रभावशाली जो मानव जीवन को मदद रूप हो सकता है। मुझे लगता है कि यह एक अद्भुत कहानी है जो जेफ ने इस दुनिया में बदलाव लाने की दृष्टि से शुरू की है। यह सामान्य नहीं है जब कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग और प्रोग्रामिंग को समझता हो और इस मिश्रण को रंगसूत्र यानी कि जीन का प्रोग्रामिंग करने में इस्तेमाल करे। इस तरह से महान आविष्कार होते हैं जब दो अलग अलग प्रवाह के लोग साथ में मिलकर कुछ नया बनाते हैं। अगला वैज्ञानिक कदम जो AGT यानी कि अमेरिकन जीन थेरापी कर रहा है वह यह है, CD4 कोष को बदल के HIV वायरस को ही मार देने का प्रयास, जो आमतौर पर अन्य चेप में रोग प्रतिकारक शक्ति द्वारा होता है। ऐसा लगता है कि यह शायद हमने पा लिया है। यह काफ़ी रोमांचक है। गे कम्युनिटी का सदस्य होते हुए मैंने देखा है कि इस HIV ने हमारे गे समुदाय को कैसे बुरी तरह से नुकसान किया है। इस परीक्षण से लगता है कि इस सफर के अंत में सफलता की उम्मीद है। आज के दिन सबको लिए जाने बहुत महत्वपूर्ण सबको जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले पेशेंट को इस HIV के मिटाने वाले जीन थेरापी की ट्रायल से किसी किस्म का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। यदि यह क्योर सफल रहता है तो HIV पॉजिटिव इंसान को ART दवाई नहीं खानी पड़ेगी, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान को एड्स नहीं होगा और एड्स से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी और खुद से दूसरे को HIV फैलने का डर भी नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि हम सबके पास रोमांचित होने के लिए कारण है कि हम अपने जीवन काल में HIV को मिटाने की संभावना रखते हैं। बाकी के जो तीन दर्दी है, यहाँ पर ये वीडियो का कमेंट्री ख़त्म हुआ और आगे का मैं प्रेजेंटेशन बताता हूँ आपको। बाकी के जो तीन दर्दी है उन लोगों को नवंबर और दिसंबर में इन्फ्यूजन्स यानी कि थेरेपी का ट्रायल किया जाएगा। समर 2022 तक ये कितना कारगर है उसके बारे में जानकारी हमको मिलेगी। आगे क्या
वो तो समय ही बताएगा कि इस थेरेपी से हम सफल होते हैं या नहीं होते, इससे हम उसको क्योर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब केयर जो हम अभी कर रहे हैं वो केयर है एआरटी थेरेपी से, और क्योर कि हम मिटाने का जो प्रयास कर रहे हो। सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वह वक्त ही बताएगा। कब तक? कम से कम इसको सालों का समय लगता है। पूरा नतीजा आम तौर पर क्लिनिकल ट्रायल 1, 2, 3 और आम लोगों में आने में। हमारा पहला वीडियो, यदि आप इस जीन थेरेपी क्या है उसके बारे में जानना चाहते हो तो हम इस टाइटल के साथ एचआईवी को मिटाने की दिशा में जीन सेल थेरेपी एक नई आशा के टाइटल के साथ हमने ऑलरेडी एक वीडियो रख चुका है। इस वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो में जो राइट अपर साइड पर आई बटन है वहाँ पर मिल जाएगी, या इसी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो अभी तक आपने जीन सेल थेरेपी एचआईवी में क्या है और कैसे काम करती है वो नहीं देखा तो इस वीडियो को अचूक देख दी। सोर्स एंड कर्टेसी फॉर दिस कंटेंट, ये पूरी जो जानकारी है यदि आप उस पर और अध्ययन करना चाहते हो और उसकी पुष्टि करना चाहते हो तो अमेरिकन जीन सेल थेरेपी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है americanjean.com उस पर जाकर आप देख सकते हो। हम हर शनिवार और रविवार दोपहर को 1 बजे नया वीडियो या तो लाइव टॉक शो रखते हैं एचआईवी और एड्स पर। मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रणप्रिया, यदि आप मेरे से पर्सनली ऑनलाइन या तो क्लिनिक पर आकर कंसल्टेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आखिर में चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।